ऑब्जेक्टिव शीट 18 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, अल्फा बीटा कांस्टेंट्स हैं और एक पैराबोलिक ग्राफ है। वो ये पूछ रहे हैं इसको देखते हुए आप क्या बोलेंगे कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। अगर मैं मैथमेटिकली सोचूँ इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में मैं ये सोचूंगा कि अगर अल्फा नेगेटिव हुआ बीटा पॉजिटिव हुआ तो भी मेरा आर टी पॉजिटिव हो जाएगा, या अगर मेरा अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हुए फिर तो चलो आर टी पॉजिटिव होगा ही होगा बिकॉज आर टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और हाँ, बनेगा पैराबोला क्योंकि टी की पावर क्या है, 2, और आर टी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो ग्राफ को पैराबोला बनना ही बनना है। ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा इसमें कि अगर ये वेरिएशन इस तरीके से आती है तो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए। मतलब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है क्योंकि मैथमेटिकली ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा, तो अगर मैं एक अल्फा नेगेटिव भी लूंगा पॉजिटिव लूंगा तो ओवरऑल तो ये टर्म पॉजिटिव नहीं जा सकती है, तो मुझे मालूम नहीं है। तो इसका क्वेश्चन अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव के साथ ही ग्राफ बनेगा। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जैसे कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो। रो कांस्टेंट होता है किसी भी वायर का, और पूरी वायर के लिए अगर मटेरियल चेंज ना किया जाए तो रो कांस्टेंट ही होता है। पर वो ये कह रहा है कि रो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ता 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 जा रहा है, रो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये मटेरियल एक जैसे मटेरियल से वायर नहीं बनी हुई, शुरू में रो कम है फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा और ज़्यादा होता जा रहा है। तो पॉइंट क्लियर है। और रो किसी भी वायर का नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रखेगा रखेगा। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो रो है लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली का मतलब कि रो जो है एक्स के साथ इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, क्वेश्चन में गिवन है। तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं कि मान लो इस वायर में कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, कॉन्स्टेंट करंट है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्स के साथ, कैसे वेरिएशन बनेगा ये क्वेश्चन है। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रो के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा और रो के लिए भी निकालना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। जैसे अगर एक वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला आता है आपको, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये आपने लिख लिया। वी क्या होता है, आई इन टू आर। आर क्या होता है, रो एल बाय ए। वी बाय एल एक तरफ, वी बाय एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ये आप ओम लॉ इन वेक्टर फॉर्म करंट डेंसिटी से भी प्रोड्यूस मतलब कर सकते थे रिजल्ट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, पहला रिजल्ट क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो रो की वैल्यू है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। कायदे से बनता तो ये था, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और एक कॉन्स्टेंट लगा देते हम। प्रॉब्लम यह है कि वायर का जो पहला एंड होगा जहां से रो स्टार्ट होगा, रो कभी जीरो होता ही नहीं। कुछ मटेरियल से तो वायर बनी हुई है, और अगर कुछ मटेरियल से वायर बनी हुई है तो रो की वैल्यू मिनिमम रो नॉट तो होगी होगी, उसके बाद ये ग्राफ स्टार्ट होगा। तो रो के मिनिमम वैल्यू अगर एक्स को जीरो भी पुट कर दें तो क्या आएगी, रो नॉट। तो रो इज रो नॉट मिनिमम वैल्यू प्लस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, तो रो प्रोपोर्शनल टू एक्स है विद मिनिमम वैल्यू ऑफ रो नॉट। अब मुझे पता है कि रो की ये वैल्यू आ गई, इस रो की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो ये टर्म आ गई, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा पर मिनिमम वैल्यू रो नॉट के साथ, तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर एक्स जीरो भी होगा कुछ ना कुछ वैल्यू तो ई की होगी ही होगी, तो स्ट्रेट लाइन है, नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन द आंसर है। तो कुछ ना कुछ ई तो एक्स इक्वल टू जीरो पे कुछ ना कुछ ई की वैल्यू तो होगी ही होगी, तो इसका बी ऑप्शन मार्क करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्या क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर जो सिक्स क्वेश्चन है, जो सेवंथ क्वेश्चन रादर, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है। डायमेंशन ऑफ ब्लॉक्स गिवन है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, 1/1 का स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। तो अगर मैं करंट को रेक्टेंगल से पास करूं, एंटर करवाऊं, तो यहां से पास करके बोर्ड के पिछले हिस्से से निकलेगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। एरिया क्या लेंगे, रेक्टेंगल का फेस लेंगे, ये वाला 10/1 का एरिया, और लेंथ क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए में एरिया आपने फ्रंट का लेना है और लेंथ आपने पीछे की लेनी है, तो यहां से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर फेसेस क्या होगा, जब स्क्वायर फेस में रेजिस्टेंस निकालनी है तो करंट यहां से यहां पास करेंगे स्क्वायर में, तो एरिया क्या लेंगे, 1/1 का, और लेंथ क्या लेंगे इसमें, 100। तो आर इज रो एल बाय ए का फॉर्मूला लगेगा,
स्क्वायर फेस से बोल रहे हैं तो स्क्वायर का एरिया, लेंथ रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल फेस से बोल रहे हैं तो रेक्टेंगल का एरिया और लेंथ स्क्वायर की। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? आर इज रूल बाई ए का फॉर्मूला कैसे लगता है इसमें? सेवंथ क्वेश्चन के बाद, एट्थ के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, सेवंथ का आंसर चेक कर लेते हैं। सेवंथ का आंसर मैंने एरिया लिया 100 और 1, ये रहा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ मैंने ली 1 सेंटीमीटर, तो एल आ गया, एरिया आ गया, एरिया 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, नहीं माइनस 6 आएगा, नहीं 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर आना चाहिए था। हाँ क्या आंसर आ रहा है? डी। हाँ हो सकता है कि यहाँ से फर्क पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, एक स्टेडी करंट क्या होता है? कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट मूव कर रहा है मेटेलिक कंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कहीं पे एरिया ज्यादा है कहीं पर एरिया कम है, तो करंट जा रहा है। दी क्वालिटी या क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहेगी पूरी कंडक्टर के अक्रॉस, एक चीज कभी चेंज नहीं होती, जितनी मर्जी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते जाओ, और वो क्या है? करंट। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1, B1, A2, B2, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम था, यहाँ पर चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है? करंट। तो करंट की वैल्यू पूरी वायर के क्रॉस क्या रहती है? सेम रहती है। कोई डाउट इसमें? तो करंट सेम है इसमें, तो एक चीज कभी चेंज नहीं होगी और वो है करंट। बाकी चेंज हो सकती है, कैसे? करंट डेंसिटी चेंज हो सकती है। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट अपॉन एरिया। अब एरिया क्योंकि चेंज होगा, करंट तो कॉन्स्टेंट है, करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है ओम लॉ से करंट डेंसिटी चेंज होगी, सिग्मा कांस्टेंट है तो ई भी चेंज हो जाएगा। ई क्या होता है? वी बाय एल, तो वी भी चेंज हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? आई बाय एन ए, तो आई बाय ए की रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं एरिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैसे मैंने ये गलत किया हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है, वैसे ये सही नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ये रिजल्ट याद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये सही नहीं किया हुआ, क्योंकि जब एरिया चेंज होता है तो करंट भी साथ के साथ, सॉरी रिपीट, करंट और एरिया की रेशियो है, करंट कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज है, ठीक। तो करंट और एरिया में करंट कांस्टेंट रहेगा पूरी वायर का, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज, तो करंट डेंसिटी चेंज है, एक तरीके से करंट डेंसिटी चेंज है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक। तो इसीलिए जब आपको ऐसी ऑप्शन दिख जाए तो मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना चाहिए और ऑप्शन चेक भी नहीं करनी है, करंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो 101% ट्रू है, करंट नहीं चेंज हो सकता, ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो करंट चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड द करंट इन द कंडक्टर, तो करंट इन द कंडक्टर क्या निकालता है? तो करंट VD इज इक्वल टू I बाय NA, और यहां से I की वैल्यू ये आ जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हमने ये टॉपिक किया था तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ किया था, हमने थर्मल वेलोसिटीज को तो कंसिडर किया ही नहीं, हमने हीट की वजह से करंट में क्या चेंज आया ये तो हम कंसिडर ही नहीं करते हम, क्योंकि ओम लॉ में टेम्परेचर हमेशा क्या रखते हैं? वायर का कांस्टेंट रखते हैं, तो थर्मल वेलोसिटीज को देखना नहीं है, ओनली ड्रिफ्ट इज द आंसर। तो करंट सिर्फ ड्रिफ्ट के साथ चेंज होता है, थर्मल के साथ हम चेंज नहीं करते, ठीक। तो इसलिए ओनली आपने ड्रिफ्ट मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इस शीट के बाद, क्वेश्चन नंबर जो शीट नंबर 19 ओपन करें,